अधिकतर कुआं गांव में पाए जाते हैं। कुछ गांवों की तो पहचान कुओं से ही होती थी। कुओं से ग्रामीणों का काफी गहरा जुड़ाव रहा है, इसकी संस्कृति और जीवन इससे जुड़ा रहा है। लेकिन अब शहर क्या गांवों में भी कुआं का दर्शन दुर्लभ हो गया है। शादी विवाह में मटकोर तक की रस्म चापाकल से पूरी करना मजबूरी हो गई है। अधिकांश गांव अब कुआं विहीन हो गया है। ऐसे में आज हम आपको बिहार के एक ऐसे गांव की कहानी बताने जा रहे हैं जहां की घर घर में कुआं ही कुआं है। दरअसल हम जिस गया जिला के अत्री प्रखंड के चिड़ियावा गांव के हर घर में कुआं हर किसी के लिए किसी रहस्य से कम नहीं है। आश्चर्य की बात यह है कि इस गांव के अधिकांश कुएं अब भी जिंदा है। इस गांव में तकरीबन 120 घर हैं और इस गांव में कुओं की संख्या लगभग 80 है। यही वजह है कि इस गांव को कुओं का गांव भी कहा जाता है। आपको बता दें कि चिड़ियावा के हर घर में कुआं मानव जीवन के लिए अब भी लोगों के लिए उपयोगी बना हुआ है। पीने नहाने से लेकर जीवन यापन का हर जरूरी काम कुआं से ही हो रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस गांव के खेतों की अधिकांश सिंचाई अब भी इस कुआं पर ही निर्भर है। कुआं की अधिकता के कारण आपको खेत बहियार में हर जगह सिंचाई का परंपरागत साधन कुआं दिख जाएगा। किसान छोटे रकबा के खेतों की सिंचाई कर इस कुआं से तेज गर्मी में भी खेत बहियार को हरा भरा रखे हुए। दरअसल ग्रामीणों का कहना है कि गांव में परंपरागत रूप से कुआं खुदा है। यह इलाका आर्थिक और सामाजिक रूप से काफी पिछड़ा हुआ था, लेकिन अब इस गांव के अधिकांश लोग आर्मी में सेवा दे रहे हैं, जिसके बाद इस गांव की आर्थिक स्थिति ठीक हुई है। यह गांव पहाड़ों के तलहटी में बसे होने के कारण जमीन के नीचे पत्थर का बड़ा बड़ा चट्टान है। पहले आर्थिक कारणों से लोग महंगा बोरिंग नहीं करा सके होंगे और कई पीढ़ी से गांव के लोग कुआं का पानी पीते हैं। लेकिन अब कुछ घरों में 8 से 10 चापाकल लगाए गए हैं, लेकिन अधिकांश घरों में कुआं का पानी पी रहे हैं। सहूलियत के लिए लोग कुआं में ही चापाकल सेट कर लिए हैं। साथ ही ग्रामीणों का तो यह भी कहना है कि अधिकांश कुआं को खेत वाले जिंदा रखे हुए हैं। आधुनिक संसाधन के बाद अब कुछ लोग इसी कुआं में पंप सेट और मोटर सेट लगाकर खेती कर रहे हैं, लेकिन कुआं को बंद नहीं किया जा रहा है। अधिकांश कुआं में पानी मौजूद है। अब मशीन से बोरिंग होने के बाद भी गांव के लोगों ने कुआं को सुरक्षित रखा है। आपको बता दें कि इस गांव में नल जल योजना के तहत बोरिंग किया गया था, लेकिन कुछ दिनों तक काम करने के बाद यह बंद हो गया।